हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हम कोई चीज़ याद करते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसे हम भूल जाते हैं। तो आपको कैसा लगेगा कि हमको एक बार चीज़ याद करें और वो हमें ज़िंदगी भर याद रहे? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दो पॉइंट बताने वाला हूँ। अगर इन दो पॉइंटों को आपने अपनी ज़िंदगी में अपना लिया तो फिर आप बड़ी से बड़ी चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप ये याद करो कि आपको सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगती है, और ये याद करो कि आपको उस मूवी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगता है। याद आ गया सब कुछ? यानी कि आपको मूवी तो पूरी तरह से याद रहती है, क्योंकि जब भी आप उस मूवी को देखते हो तो आप उस मूवी को पूरे इंटरेस्ट के साथ देखते हो, और इसलिए वो मूवी आपको पूरी तरह याद हो जाती है। जब भी आप पढ़ते हो तो क्या आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हो? नहीं, कभी नहीं, बल्कि आप किताब खोलते हो और उसका रट्टा मारने लगते हो, और इसलिए वो चीज़ आपको कुछ टाइम के बाद याद नहीं रहती है। मान लीजिए किसी लड़की ने आपको नंबर बोला तो आप उस नंबर को तुरंत याद कर लोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस नंबर में तुम्हें इंटरेस्ट है। तो जी हाँ दोस्तों, आपका पहला पॉइंट होगा कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करो। अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ने का तो ही पढ़ो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का तो मेरे हिसाब से आप पढ़ाई मत करो। अगर आप इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ते हो तो आप कुछ ही देर में बहुत कुछ याद कर सकते हो, इसलिए जब भी पढ़ो तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ो। नंबर दो, लगन। आप जो कुछ भी पढ़ते हो उसे अपनी लगन से पढ़िए। आपने देखा होगा कि कई लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है, लेकिन कई लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा धीमा होता है। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट लगन से पढ़ते हैं ना, उनका दिमाग तेज होता है। इसलिए अगर तुम भी जो कुछ भी पढ़ते हो उसे अपनी पूरी लगन से पढ़ो। हमेशा स्कूल में टॉप करने की सोचिए। अगर आप सोचते हो कि मुझे स्कूल में टॉप करना है तो आपको पूरी लगन से पढ़ना होगा। नंबर तीन, अपना एक गोल बनाओ। देख भाई, अगर तुझे सब कुछ याद करना है ना तो सबसे पहले तुझे अपना एक गोल बनाना पड़ेगा, क्योंकि तेरा माइंड कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मैं ये चीज़ याद कर लूँ, मैं वो चीज़ याद कर लूँ, बल्कि तेरा माइंड हमेशा बहाने बनाएगा कि इस चीज़ को मैं कल याद कर लूँगा, मैं परसों याद कर लूँगा, लेकिन वो कभी भी याद नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने गोल बना लिया तो फिर आप अपने माइंड से कह सकते हो कि मुझे अपना गोल अचीव करना ही करना है, मुझे ये चीज़ याद करनी ही करनी है, और फिर तुम उस चीज़ को बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। तो याद रखना, आपका पहला पॉइंट होगा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ो, आपका दूसरा पॉइंट है लगन से पढ़ो, और तीसरा पॉइंट है अपना एक गोल बनाओ। अगर आप इन तीन पॉइंटों को फॉलो करते हो तो आप बड़ी आसानी से सब कुछ चीज़ याद कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।